हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अपनी पाठशाला में, वैष्णवी पाठशाला में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में, धरसना कांड के बारे में, और जिया तरंग आंदोलन क्या था इसके बारे में आज सीखेंगे, आज जानेंगे। ठीक, उससे पहले अपनी आप नोट्स निकाल लीजिए, उस पर नोट्स में सब कुछ नोट डाउन करते जाइए। अगर हम इसके पहले वाले वीडियो की बात करें, पहले वाले लेक्चर की बात करें, इसके पीछे वाले लेक्चर की बात, तो हमने आपको गांधी जी की एंट्री बता दी थी। एक बार फिर से 1929 में आए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने का उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता को किसको दे दिया? जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, जहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाया 26 जनवरी 1930 को। और हर 26 जनवरी की तारीख को ऐसा माना गया कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस यहाँ से मनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसी के एक साल के बाद, लमसम एक साल के बाद, गांधी जी अब एक बार फिर से मुख्य भूमिका में आ चुके हैं, मुख्य नेता की भूमिका में आ चुके हैं, और लोगों को उनको लीड करने के लिए एक प्रमुख नेता मिल चुका है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को फिर से चेताया जाता है कि हम आंदोलन कूद रहे हैं, और उसके पहले गांधी जी अपनी 11 मांगें प्रस्तुत करते हैं, और उन 11 मांगों को रखा जाता है लॉर्ड इरविन के सामने। और लॉर्ड इरविन को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर इन मांगों को आपने नहीं माना तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, ये गांधी जी के द्वारा बताया जाता है। और फिर क्या होता है, इरविन उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता है, उस चीज़ पर अंग्रेज़ों का एकदम ध्यान नहीं जाता है। तो उसी को देखते हुए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें पहली उनकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है दांडी मार्च से, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ मिल करके उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जा करके नमक, एक मुट्ठी नमक उठाया और वहाँ पर नमक का कानून तोड़ दिया। जो नमक पर कस्टम ड्यूटी लग रही थी उसको समाप्त किया, और भारतीयों को भी नमक बनाने के लिए अधिकार मांगा कि भारतीय भी हम नमक बना बना सकें, इसका अधिकार पूरी तरीके से मान लिया। वहाँ पर एक आंदोलन के रूप में छेड़ दिया गया। अब यहाँ पर आंदोलन आगे बढ़ा, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते समय हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में सी राजगोपालाचारी, ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया। इसके बाद अन्य भी जगह पर चलाया गया, जैसे केरल में चलाया गया, कर्नाटक में चलाया गया, आंध्रा में चलाया गया, केरल में चलाया गया, उसको हम आगे बता देंगे आपको। अभी हमने केवल तमिलनाडु के बारे में आपको बताया था। तो उसी को देखते हुए अगर बात कर लें दक्षिण भारत में, जैसे कि महाराष्ट्र में बात कर लें, महाराष्ट्र में जो आंदोलन चलाया गया वो धरसना नामक जगह पर चलाया गया, जिसको धरसना कांड के नाम से जाना गया। ये कांड हो गया था, ये आंदोलन पूरी तरीके से कांड में परिवर्तित हो गया था। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे कांड में परिवर्तित हो गया। फिर लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत प्रांत में चलाया जा रहा था, मतलब अगर हम बात कर लें इस वाले प्रांत की, उत्तर पूर्वी प्रांत की, तो इस वाले क्षेत्र में चलाया जा रहा था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चलाया जा रहा था। तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में ये पूरी तरीके से कार्य कर रहा था। और इसी प्रकार से अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में जिया तरंग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन को कैसे चलाया, किसने चलाया, इनका उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे, और इसका नेतृत्व आगे चल करके किसने किया, इन सब चीज़ों को हम अब अच्छे से एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में। अच्छा, लाल कुर्ती आंदोलन को पढ़ने से पहले आपने कभी इसका नाम सुना है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार सुना है, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार को जो चला रहे थे वो चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। किसके द्वारा ये चलाया जा रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया जा रहा, मतलब प्रमुख नेता के तौर पर ये वहाँ पर सक्रिय थे, मतलब इन्हीं के द्वारा पूरा आंदोलन चलाया जा रहा था। और इस आंदोलन के जो व्यक्ति थे ये लाल कुर्ता धारण करते थे, ये लाल कुर्ता धारण करते थे, तो इन्हीं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसी को कहा गया लाल कुर्ती आंदोलन। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1930 से होती है। कब से होती है? 1930 से होती है। अच्छा, ये तीनों आंदोलन जो थे वो 1930 के ही टाइम पीरियड में चले हैं, वो चाहे हम धरसना कांड की बात कर लें, चाहे हम जिया तरंग आंदोलन की बात कर लें, और चाहे हम लाल कुर्ती आंदोलन की बात कर लें।
तीनों आंदोलन एक ही टाइम पीरियड में चले हैं 1929 में, और तीनों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही एक चरण में चालू हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले, फिर इसके बाद ये जैसे लाल कुर्ती आंदोलन आपका उत्तर पूर्वी राज्य में स्टार्ट हो गया, जिया तरंग आंदोलन आपका पूर्वोत्तर राज्यों में स्टार्ट हो गया, और इधर धरसना नामक जगह पर जहाँ पर नमकशाला बनी हुई थी अंग्रेजों की, वहाँ पर ये धरसना कांड हुआ। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही अगले चरण में हमको ये तीनों आंदोलन देखने को मिलते। आंदोलन बहुत हो रहे थे, अपनी अपने स्थान पर आंदोलन बहुत ही सक्रिय भूमिका में हो रहे थे, ठीक है, लेकिन उनमें मुख्य मुख्य आंदोलन में ये तीन आंदोलन बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको अच्छा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये लाल कुर्ती आंदोलन चलाया जा रहा था। अब हमने बताया क्या कि ये वाला जो क्षेत्र आता है ये सीमांत क्षेत्र, अगर भारत की सीमा की हम बात करें तो भारत की सीमा यहाँ से खत्म होती है, मतलब सीमांत क्षेत्र में आता है। अब इसीलिए ये जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे इनके द्वारा चलाया जा रहा था, और भारत में किसके द्वारा चलाया जा रहा था, गांधी के द्वारा। अब भारत में जो गांधी जी थे गांधी जी के परम भक्त थे खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी के विचारों को अपने खून में अपने रक्त में समा लिया था, ऐसे इनके विचार थे, मतलब गांधी जी के पूर्ण विचार इनके अंदर समा गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सीमांत प्रदेश के गांधी कहे जाते थे, इसीलिए इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। भाई सीमांत प्रेम प्रांत का जो नेतृत्व कर रहे थे वो यही कर रहे थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें खुदाई खिदमतगार की। देखिए ये जो खुदाई खिदमतगार संस्था थी ये भी किसके द्वारा बनाई गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा बनाई गई थी। ये जो सीमांत शब्द है ये एक फारसी शब्द है। क्या शब्द है? ये फारसी शब्द है। अगर हम इसमें हिंदी वर्जन की बात कर लें तो इसका हिंदी वर्जन होता है ईश्वर के द्वारा बनाई गई सत्ता, ईश्वर के द्वारा बनाई गई दुनिया। तो खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है ईश्वर के द्वारा क्रिएट की गई एक दुनिया, ऐसी दुनिया जो कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई हो उसको हम खुदाई खिदमतगार बोलते हैं, ठीक है। खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा बनाई गई? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा बनाई गई, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि इनकी अन्य उपाधियों की अगर हम बात कर लें तो अन्य उपाधियों में इनका नाम आता है, जैसे कि बादशाह खां भी इनको बोलते हैं, ठीक है, बादशाह खां के बाद इनको कहीं कहें, ठीक है, तो अन्य उपाधियों की अगर हम बात करें तो इनको बादशाह खां के बाद इनको बच्चा खां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चा खां भी बोलते हैं। अब बच्चा खां के बाद यहाँ पर इनको एक सरहदी गांधी भी बोलते हैं, सरहदी गांधी। क्या बोलते हैं? सरहदी गांधी, क्योंकि ये सरहद के आसपास के क्षेत्र है ना, तो सरहदी गांधी भी इनको बोला जाता है। इसके बाद इनको एक और उपाधि दी जाती है, फक ए अफगान। अच्छा, इस चीज़ को समझिए, फक ए अफगान ये पूरा है, ठीक है, ये फक ए अफगान क्या है? फक ए अफगान जो है ये, अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे इनको फक ए अफगान कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान की एक विशेषता और थी, ये पख्तून जाति से संबंधित थे। पख्तून जाति के ये थे कौन? खान ए अब्दुल गफ्फार खान। और पख्तून जाति के लोगों की विशेषता होती है कि ये बहुत बड़े लड़ाकू होते हैं, मतलब युद्ध नीति में बहुत ही निपुण होते हैं, युद्ध की हर एक कला मोस्टली इनको आती है, जो पख्तून जाति के व्यक्ति होते हैं। मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान भी युद्ध कला के माहिर होंगे, लेकिन फिर भी गांधी जी के विचारों को अपने अंदर समाया हुआ था। तो समझ सकते हैं गांधी जी के कितने बड़े भक्त थे, कितना इनके अंदर सब्र था, भाई युद्ध कला की हर नीति जानते थे लेकिन फिर भी गांधी जी के विचारों को साथ लेकर के चलते थे, ठीक। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था सीमांत गांधी का या खान अब्दुल गफ्फार खान का। अच्छा, और एक बात, खान अब्दुल गफ्फार खान की जो मृत्यु हुई है वो पता है आपको कब हुई है? वो हुई है 1988 में। खान अब्दुल गफ्फार खान की मृत्यु हुई है 1988 में, लमसम 98 साल खान अब्दुल गफ्फार खान जीवित रहे हैं, और इन 98 सालों में तकरीबन 35 साल इन्होंने छिटपुट तरीके से जेल में बिताया है।
छिटपुट तरीके से जेल में बिताया, मतलब कभी इस जेल कभी उस जेल कभी इस जेल कभी उस जेल। इस तरीके से अगर हम पूरे हम इनकी लाइफ की बात कर लें तो 35 साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। अब समझ सकते हैं कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा देश के नाम कर दे, लगभग 1/3 हिस्सा देश के नाम कर दे तो कितना मतलब विशाल हृदय वाला वो व्यक्ति होगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी ऐसे व्यक्ति थे, ठीक। तो इस प्रकार से ये पूरी संस्था चलाई जा रही थी। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये संस्था क्यों बनी थी, इसका उद्देश्य क्या था, ये समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहती थी, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये जो खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई गई थी, जिसको हम लाल कुर्ती आंदोलन भी, लाल कुर्ती सभा भी कहते थे, इसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति जो थे वो लाल कुर्ता धारण करते थे, लाल कुर्ता पहन करके आंदोलन करते थे। अच्छा, अब इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं कि आखिर ये उद्देश्य इसके क्या थे, इस संस्था के उद्देश्य क्या थे। देखिए, इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य थे वो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों के उद्देश्य से कहीं ना कहीं मेल खाते होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो सबसे पहला इनका उद्देश्य था कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में, किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में एक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना पैदा करी जाए। तो पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहते थे। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की क्या पैदा करना चाहते थे, भावना पैदा करना चाहते थे। इस लाल कुर्ती जो सभा थी, जो खुदाई खिदमतगार सभा थी, इसका मुख्य उद्देश्य एक तो ये था। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य इनका था कि भारत में जो अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बना रखा है, भाई अंग्रेज़ों ने उपनिवेश अपना भारत को भी बना रखा था, साथ साथ अन्य देशों पर भी अंग्रेज़ों के उपनिवेश बने हुए थे। जैसे हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें, दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश बना रखे थे। तो कुल मिला करके यहाँ पर इस संस्था का जो दूसरा उद्देश्य था कि किसी प्रकार से ये जो उपनिवेशवाद है, जो उपनिवेशवाद है, इसका खात्मा कैसे किया जाए, ठीक है। उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए भी यहाँ पर ये संस्था कार्य कर रही थी। चलिए, दो बातें हो गई, इसके बाद ये बातें हो गई। तो इस प्रकार से, और अब देखिए, उपनिवेशवाद को ख़त्म करना इनका मुख्य लक्ष्य है। तो उपनिवेशवाद से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य एक ही है कि किसी प्रकार से हमें आज़ादी मिले, भारत को पूर्ण स्वराज मिले, है ना भाई। उपनिवेशवाद अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर अंग्रेज़ हमारे यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो उपनिवेशवाद को ख़त्म करना मतलब कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी दिलाना भी इसी का एक उद्देश्य था। तो ये जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही थी, इनका सबका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। अच्छा, ये तो बात हो गई। इसके बाद ये पूरी जो संस्था थी वो मोहम्मद साहब के विचारों पर चलती थी, मोहम्मद साहब के विचारों को फॉलो करती थी ये पूरी संस्था। और पूरी संस्था के साथ साथ जो सीमांत गांधी जी थे, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये भी मोहम्मद साहब के विचारों पर पूरी चलते, पूरी तरीके से उसी पर फॉलो करते थे, उन्हीं के विचारों को फॉलो करते थे। तो इनका एक विचार था, इनका मानना था कि सब्र और नेकी को केवल अपना हथियार बनाना चाहिए। तो ये विचार पूछा जाता है कि सब्र और नेकी को अपना हथियार किसने बनाया। तो सब्र और नेकी को अपना हथियार किसने बनाया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो संस्था थी ये कार्य कर रही थी। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर संस्था कार्य कर रही है इतने बड़े स्तर पर, तो क्या होगा, क्या अंग्रेज़ इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, अंग्रेज़ देख रहे हैं। तो अंग्रेज़ जब सविनावज्ञा आंदोलन में, अभी हम बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो सविनावज्ञा आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस संस्था को भी ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर स्टोरी है, स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए, स्टोरी समझने की किसी की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गढ़वाल नामक जगह पड़ती थी, गढ़वाल नामक जगह पड़ती थी। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो अफसर था, उसने अपने सैनिकों को तैयार किया पूरी तरीके से और कहा कि जाओ इस खुदाई खिदमतगार या जो लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा है इसको ख़त्म कर दो, खुलेआम इस पर गोलियां बरसा दो। लेकिन यहाँ पर एक सिपाही था जिसका नाम था वीरचंद, इसने खुलेआम इसका विरोध किया,
है ना, जैसे कि हमने 1857 की क्रांति में पढ़ा था, मंगल पांडे ने ऊपर उठ करके आवाज़ उठाई, पूरी तरीके से अंग्रेजों का तख्ता पलट दिया, अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। इसी प्रकार से वीर चंद्र ने एकदम बगावत कर दी, है ना। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो सैनिक थे इनके अंदर भी एक गुस्सा था कि हमारे भाई मारे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वीरचंद्र सिंह ने भी खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक बहुत अपने ही अंदर एक बगावत पैदा कर दी। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरी लाल कुर्ती आंदोलन अपने स्तर पर कार्य कर रही थी। अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए इसको दबाने के लिए। ठीक, तो इसमें से कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसके स्थापनाकर्ता कौन है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना करी, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीमा प्रांत के क्षेत्र से ये संबंधित थे, और इनको बादशाह खां, बच्चा खां, सरहदी गांधी और फक ए अफगान भी कहा जाता है, और पख्तून जातीय से ये संबंधित थे। ठीक, तो इतनी सारी बातें हमने लाल कुर्ती आंदोलन से समझ ली। ठीक, अब बात करते हैं हम, धीरे से चलते हैं कहाँ, अब हम चलते हैं धरसना कांड की तरफ। इस चीज़ को और समझ लीजिए, धरसना कांड। अब देखिए, थोड़ा सा धरसना कांड पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं गांधी जी के दांडी मार्च की। तो हमने देखा क्या, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पूरी यात्रा प्रारंभ की और दांडी तक गए। दांडी तक गए, वहाँ पर उनका एक उद्देश्य था कि किसी प्रकार से नमक पर जो कर लग रहा है, जो कस्टम ड्यूटी लग रही है, उसको समाप्त करना, और धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो उसी में गुजरात में, देखिए हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, जिया तरंग अभी आपको पढ़ाएंगे, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, जिया तरंग कह रहे हैं, धरसना कांड की बात कर रहे हैं। तो धरसना कांड ये धीरे 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 बढ़ते हुए चला आ रहा था, और ये आ गया था गुजरात के आसपास एक धरसना नामक जगह पड़ती है। ठीक है, गुजरात की बात कर लो और महाराष्ट्र की बात कर लो, तो इस बीच में एक जगह पड़ती है धरसना। धरसना, ठीक है, धरसना। धरसना में ही क्या था, अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी नमकशाला थी। अंग्रेजों की क्या थी, एक बहुत बड़ी नमकशाला थी। मतलब यहाँ पर अंग्रेज पूरा 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 नमक लाते थे, वहाँ पर इकट्ठा करते थे, और फिर इसको धीरे 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 ऊंचे दामों में बेचते थे। तो नमकशाला थी, वहाँ पर नमक एकत्र किया जाता था, बड़ी मात्रा में नमक एकत्र किया जाता था। तो नमकशाला कहाँ बनी थी, धरसना में बनी थी। अब गांधी जी के मन में विचार आया कि जिस प्रकार से हमने दांडी में नमक को, एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक का कानून तोड़ा है, इसी प्रकार से हम जाएंगे धरसना में और उसकी नमकशाला पर हमला बोलेंगे, और नमकशाला में हमला बोल करके वहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस पूरा ये जो सिस्टम चल रहा है इनका, इसको हम ख़त्म करेंगे और एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक चरण है ये। ठीक, तो वहां से क्या करते हैं, गांधी जी चलना प्रारंभ करते हैं, और यहां पर जो लोग सक्रिय होते हैं धरसना में, इनको पता चल जाता है कि गांधी जी भैया आ रहे हैं, हमारे बहुत बड़े नेता आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपनी मंडली सजाने लगते हैं, लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं कि हमें विद्रोह करना है कुल मिलाकर। और विद्रोह कैसा, विद्रोह कैसा भाई, विद्रोह ऐसा जिसमें हिंसा ना हो, क्योंकि गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि हमारी चाहे गर्दन कट जाए लेकिन हिंसा हमको नहीं चाहिए। ठीक, अगर आप हिंसा करोगे तो मैं एक बार फिर से खड़ा आंदोलन वापस ले लूँगा, फिर आप हमसे मत कहिएगा जैसे पिछले बार आप हमसे रुष्ट हुए थे, इस प्रकार से इस बार मत रुष्ट होना। तो यहाँ पर नमकशाला में सब लोगों ने पहले से ही व्यवस्था बना ली, और पता चल गया कि गांधी जी आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे ही ये बात पता चलती है अंग्रेजों को कि अच्छा गांधी जी जा रहे हैं धरसना में, जाएंगे अब हमारी नमकशाला में जाएंगे और वहाँ पर नमक का कानून तोड़ेंगे, हम इनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेंगे, पहुँचो तुम। तो होता क्या है, यहाँ पर गांधी जी जैसे ही दांडी से पूरी यात्रा प्रारंभ करते हैं और धरसना के लिए पहुँचते हैं, तो इनको 5 मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार करके इनको यरवदा नामक जेल में भेज दिया जाता है। अब क्या होगा, अब आंदोलन कौन करेगा, आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा। गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया, यरवदा जेल में डाल दिया, लेकिन नमक साला में बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो उसी बीच में हमारे सामने एक और व्यक्ति देखने को मिलता है, जिनका नाम होता है अब्बास तैयब जी। क्या नाम होता है, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी।
अब अब्बास तैयब जी के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। अब्बास तैयब जी और अन्य मेंबरों को जैसे पता चलता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, अब ये लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं और अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में अंग्रेजों के द्वारा इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोग अब क्या होगा, तो अब इसी बीच गांधी जी के पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है मणिलाल। हमने आपको पढ़ाया था, अगर गांधी जी की सीरीज में आपने देखा हो तो मणिलाल, वहाँ पर गांधी जी के पुत्र, गांधी जी के पुत्र मणिलाल और सरोजनी नायडू यहाँ पर आगे आती हैं और इस आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। इसी बीच में इनके एक पोते भी थे जिनका नाम था कांतिलाल। कांतिलाल कौन है, कांतिलाल जो हैं गांधी जी के पोते हैं। तो आप एक बात समझिए, कांतिलाल इधर हो गए, मणिलाल इधर हो गए, और गांधी जी भी कहीं ना कहीं स्वयं भी इस आंदोलन में हैं कि नहीं है। तो ऐसा एक आंदोलन था जिसमें गांधी जी की तीन पीढ़ियों ने आंदोलन में भाग लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी की तीन पीढ़ियों ने हिस्सा लिया, कौन सा है, धरसना कांड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरोजनी नायडू ने हर सबको बैठाला कि जितने भी व्यक्ति हैं उस समय कांग्रेस के व्यक्ति मिला करके तकरीबन 1000 व्यक्ति थे। 1000 व्यक्ति बहुत होते हैं, 1000 व्यक्ति थे, इन लोगों को बैठाला। और सरोजनी नायडू, इसके बाद कांतिलाल, फिर मणिलाल और अन्य व्यक्ति जो थे ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और अभी कैसे करेंगे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर करेंगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना, यहाँ पर इन लोगों का एक उद्देश्य बन गया और सबको बैठा दिया गया कि हम बैठ करके आंदोलन करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया, बैठे हुए व्यक्तियों पर खुले आम लाठियां बरसाई, ऐसी लाठियां बरसाई, लेकिन उस व्यक्ति वहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे थे एक व्यक्ति ने भी चू तक नहीं करी। अब समझ सकते हैं कितना विश्वास था गांधी जी के ऊपर, कितनी भक्ति थी लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति, कि अगर गांधी जी कुछ कर रहे हैं तो पक्का देश की भलाई के लिए ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे थे उनके सर पर लाठी पड़ती थी और उनकी सर से खून टपकता रहता था, और व्यक्ति उठ करके एक थप्पड़ भी नहीं मारता था, एक बात भी नहीं बोलता था, है ना। तो खुलेआम यहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई। तो इसी कांड को, इसी आंदोलन को, जो एक आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा था, उसको पूरे कांड में परिवर्तित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये बन गया धरसना कांड। ठीक है, तो इस प्रकार से इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये आंदोलन इस प्रकार से समाप्त हुआ। तो कितना बर्बर कार्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कितनी बर्बरतापूर्वक हमारे साथ सलूक किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अब आगे पढ़ते हैं जिया तरंग आंदोलन। तो ये पूरा था धरसना कांड, इसकी डेट ध्यान रखिएगा, कब किसके द्वारा इसको चलाया गया इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं जिया तरंग आंदोलन। देखिए जिया तरंग आंदोलन, अगर हम जिया तरंग आंदोलन की बात करें तो जिया तरंग जो आंदोलन था ये, अगर आप बात कर लो मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर की बात कर लो या नागालैंड की बात कर लो, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात कर लें तो उसमें मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, इन क्षेत्रों में ये आंदोलन चलाया जा रहा था। और ये आंदोलन मोस्टली जो जनजातियाँ थीं, ठीक है, जनजातियाँ थीं उनके द्वारा चलाया जा रहा था। मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जनजातियों का आंदोलन था। ठीक है, ये वाला जो आंदोलन था जिया तरंग आंदोलन, ये जनजातियों का आंदोलन था। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे यदुनाग। किसके द्वारा किया जा रहा था, यदुनाग के द्वारा। यदुनाग के द्वारा आंदोलन ये प्रारंभ किया गया और टाइम पीरियड वही है 1930 के आसपास ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। लेकिन इस आंदोलन में कुछ कमियाँ थी। कमियाँ कैसी थी कि ये आंदोलन जैसे ही स्टार्ट किया गया उसके कुछ ही समय के बाद हुआ क्या, इस आंदोलन ने एक बहुत विशाल हिंसक रूप ले लिया, एक बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, यदुनाग को गिरफ्तार कर लिया। और यदुनाग को गिरफ्तार करने पर हिंसा को भड़काने के सिलसिले में इनको फांसी की सजा दे दी गई।
ठीक, फांसी की सजा इनको जैसे ही दी जाती है, इसके बाद 1931 में इनको फांसी दे दी गई, और इनका जो आंदोलन में सक्रियपन था वो खत्म हो जाता है। अब भाई आदमी को फांसी हो गई तो अब कैसे आंदोलन में सक्रिय होगा, नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए क्या होता है, अब इस आंदोलन का आगे कौन बढ़ाएगा। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती है वो केवल और केवल एक 13 साल की बच्ची उठाती है। अरे 13 साल की बच्ची इस आंदोलन को उठाएगी। हाँ, उनका नाम था गाय डिल्लियो। क्या नाम था? गाय डिल्लियो। अब गाय डिल्लियो कौन थी? गाय डिल्लियो यही यदुनाथ की चचेरी बहन थी। कौन थी? चचेरी बहन, मतलब चाचा की बहन थी। कौन? गाय डिल्लियो। 13 साल की बच्ची जो कि गाय डिल्लियो थी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब देखिए इस आंदोलन में होता क्या है। गाय डिल्लियो जो थी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी उसी तरीके से नागालैंड की लक्ष्मीबाई कही जाती थी। पता है आपको, इनकी उपाधियों में नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी इनको कहा जाता था, गाय डिल्लियो को। गाय डिल्लियो जो थी अपनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बहुत सारी युद्ध कलाएं सीख ली थी। जैसे कि हम शिवाजी की बात कर ले, शिवाजी के द्वारा जो गोरिल्ला युद्ध चलाया जाता था, गोरिल्ला युद्ध में माहिर थी ये, गोरिल्ला युद्ध में माहिर थी ये, छापामार युद्ध की बहुत बड़ी रणनीतिकार थी, छापाकार युद्ध भी इनको बहुत अच्छे से आता था, है ना। गोरिल्ला युद्ध तो आता है, छापाकार युद्ध तो आता है, छापाकार या छापामार युद्ध आप समझ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करते करते इन्होंने करीबन 4,000 लोगों की अपनी एक सेना बना ली थी। वो भी कैसी सेना पता है? सशस्त्र सेना, मतलब ऐसी सेना जिसके पास शस्त्र भी थे। 4,000 लोगों की सशस्त्र सेना यहाँ पर क्रिएट करके रखी थी किसने? गाय डिल्ली ने। ठीक, तो अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए होता क्या है। अब ये सारा जो आंदोलन था ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे हिंसक रूप लेता चला जा रहा था। अंग्रेजों को भी ये बात पता चल गई। अंग्रेजों ने गाइडिल्यो को ढूंढने के पीछे पूरी अपनी सेना लगा दी कि कैसे भी करके गाइडिल्यो को ढूंढो, अगर गाइडिल्यो रहेगी तो हमारा जीना हराम कर देगी। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गाइडिल्यो को ढूंढा जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर नागालैंड के वासियों ने और मणिपुर के वासियों ने गाइडिल्यो को पूरा छिपा लेते हैं, गाइडिल्यो को आगे आने ही नहीं देते, मतलब अंग्रेजों की नज़र में आने ही नहीं देते। अंग्रेज ढूंढ ढूंढ कर ढूंढ ढूंढ कर ढूंढ ढूंढ के एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन गाइडिल्यो को कहीं नहीं पाते हैं। तो इसी बीच होता क्या है, अंग्रेज इतना खिसिया चुके होते हैं कि उन्होंने उसके जितने क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर भी ये आंदोलन सक्रिय था, वहां पर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। ओ माय गॉड, आग लगा देते हैं और पूरा गांव धू 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 करके जल जाता है। जितना भी क्षेत्र होता है पूरा क्षेत्र जल जाता है। अब क्षेत्र जल गया, बात ठंडी हुई, आग ठंडी हुई, आग के साथ साथ अब लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए चाहिए, है ना। अगर जगह नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ। तो गाइडिल्यो यहाँ पर निर्णय किया कि हम एक फोर्ट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एक फोर्ट का निर्माण करेंगे। तो उसी फोर्ट का निर्माण करते समय ही क्या हुआ, अंग्रेजों को बात पता चल गई और पता चल गया कि फोर्ट की जगह पर ही गाइडिल्यो उपस्थित है। तो जाते हैं और गाइडिल्यो को गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। अब गाइडिल्यो को गिरफ्तार कर लेते हैं तो होता क्या है, इनको सजा हो जाती है। और 1947 में इनको फिर से छुड़ा लिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा इनको फिर से मुक्त कर लिया जाता है। मतलब देखिए 1932, ये जो अगर गिरफ्तार हुई हैं तो 1932 में गिरफ्तार हुई और 1947 में इनको फिर से छुड़ा लिया जाता है ना। लमसम 15 साल जेल में रही, तो समझ सकते हैं आप एक आयरन लेडी थी कि नहीं थी। तो जब भारत सरकार से ये मुक्त होती हैं तो इसी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको रानी की उपाधि भी प्रदान की जाती है। ओके, तो नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी इनको कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की उपाधि भी इनको प्रदान की जाती है। अब इनके गिरफ्तार होने पर ये जो जिया तरंग आंदोलन था इसको धीरे धीरे ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रकार से चालू हुआ और किस प्रकार से उसका नेतृत्व किया गया, उसके क्या गोल थे, क्या उद्देश्य थे। फिर हमने धरसना कांड के बारे में जाना, जो कि एक बहुत निर्मम हत्याएं वहां पर की गई थी, निर्मम लाठीचार्ज की किया गया था। और फिर जिया तरंग आंदोलन को समझा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक
कंप्लीट होता है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही चरण में किए गए। अब इस टॉपिक के बाद हम सोच रहे हैं प्रथम गोलमेज आंदोलन को पढ़ा दें और गांधी इरविन समझौते को भी वहाँ से ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ाएंगे और इसके बाद गांधी इरविन समझौता वो पढ़ाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पर ज़रूर कुछ सीखा होगा, सीखा है तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके मिलने वाले दोस्त हों उनसे बताइए कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से आपको डिटेल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बस, धन्यवाद।